नमस्कार, मैं रवि। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ सिकल सेल अनेमिया रोग के बारे में, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है, अर्थात अनुवांशिक रोग है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, सिकल सेल अनेमिया। सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाओगे बेटा? सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया। अब बेटा इसका मतलब समझिए। देखिए, अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी। और सेल का मतलब होता है बेटा कोशिका। क्या होता है? कोशिका। और सिकिल का मतलब होता है हसिया। हसिया एक उपकरण होता है और इस उपकरण से घास काटा जाता है, घास काटा जाता है भैया। अब नाम क्यों पड़ा इसका सिकल सेल अनेमिया? तो इस बीमारी में होता क्या है बेटा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और कोशिका का आकार बेटा हसिया के समान हो जाता है। तो ऐसी बीमारी जिसमें बेटा खून की कमी हो जाती है और कोशिका का आकार हसिया यानी कि घास काटने वाला जो हसिया होता है, उस हसिया के समान अगर कोशिका का आकार हो जाए तो वह बीमारी होती है बेटा सिकिल सेल अनेमिया। इतनी बात क्लियर है? पहली बात क्लियर हुई सबको? ओके भैया, याद रखना यह एक जेनेटिक डिसीज है। इसका मतलब समझते हैं, ये क्या है बेटा? एक जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज का मतलब क्या होता है कि यह अनुवांशिक रोग है, यह अनुवांशिक रोग है। अब बात आती है अनुवांशिक रोग क्या होता है। तो ऐसा रोग बेटा जो आपको बाई बर्थ मिले, ऐसा रोग बेटा जो आपको जन्म के साथ मिले। जैसे ही बेटा आपका जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ साथ में बेटा जो जो बीमारी आपको आई है वो सभी बीमारियां बेटा जेनेटिक डिसीज होगी यानी कि अनुवांशिकी रोग होंगे। तो ऐसी बीमारी जो हमारे जन्म के साथ आती है या हमारे जन्म के साथ पैदा होती है, ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जेनेटिक डिसीज। जब हम माँ के पेट में रहते हैं, जब हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र और जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके कारण बेटा आपको जेनेटिक डिसीज होता है। गुणसूत्र और जीन में प्रॉब्लम के कारण आपको जेनेटिक डिसीज होता है। ये जो जेनेटिक डिसीज है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, जैसे कि दादाजी से पापा में आ जाएगी, पापा जी से हम में आ जाएगी, हम से हमारे बच्चों में चल जाएगी और हमारे बच्चों से उनके भी बच्चों में चली जाएगी। यानी कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो बीमारी होती है बेटा उन बीमारियों को कहा जाता है जेनेटिक डिसीज अर्थात अनुवांशिक रोग। इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता बेटा, इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होगी। जब इंसान की मृत्यु हो जाएगी उस समय बेटा इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसीज, और जेनेटिक डिसीज की बेटा 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज मानव रोग, जिसकी 47 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये 48 नंबर की क्लास है बेटा। इससे पहले हमने वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ ली है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ ली है, कवक से होने वाली बीमारियां पढ़ ली है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां पढ़ ली है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो हमें जन्म के साथ मिलती है और उन बीमारियों को क्या कहा जाता है जेनेटिक डिसीज अनुवांशिक रोग। देखिए बेटा, पहली बीमारी आती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी के बारे में हम पढ़ चुके, वर्णाधता कहा जाता है इसे हिंदी में। ये बीमारी भी आपको जन्म के साथ मिलती है। दूसरी है भैया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसे रॉयल डिसीज शाही रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी के बारे में भी हम पढ़ चुके। आज हम तीसरी बीमारी पढ़ रहे हैं सिकिल सेल अनेमिया।
सिकिल सेल अनेमिया। नंबर चौथी आती है भैया थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। नंबर पांचवी आती है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नंबर छठी आती है भैया डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। नंबर सातवीं आती है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। नंबर आठवीं आती है पटाऊ सिंड्रोम। और नंबर नौ पर आती है भैया एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं बीमारियों से पूछे जाते हैं, और इन नौ की नौ बीमारियों के बारे में एक एक करके बेटा हम पढ़ने वाले हैं। ये दो बीमारियां मैंने आपको पढ़ा दी है, आज हम सिकल सेल अनेमिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक जन्म के साथ होने वाली बीमारी है, तो एक ऑप्शन इनमें से दे देगा, तीन ऑप्शन अलग दे देगा, तो आपको बताना है। अनुवांशिक रोगों के बारे में पूछा जाता है भैया इस तरीके से भी, तो ये चीज़ें समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया और इन्हें लिख लीजिए। आपको याद होना जरूरी है कि ये अनुवांशिक रोग है, ये कवक से होने वाली बीमारी है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सभी बीमारियों के नाम आपको मुंह पर याद होने जरूरी है, जैसे कि मेरे को याद है। इतनी बात क्लियर, मिटा दूं? ओके, इतनी बात समझ में आ गई गाइज। लास्ट क्लास में हमने दो बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हम, जो कि आपको जन्म के साथ मिलती है, यानी कि दो जेनेटिक डिसीज के बारे में हम पढ़ चुके। एक है बेटा कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी है हीमोफीलिया। दोनों ही बेटा एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम के कारण पैदा हो रही थी और दोनों ही एलोसोम डिसीज थी, है कि नहीं है? लेकिन बेटा ये जो बीमारी है ये ऑटोजोमल डिसीज है। कैसी है? ऑटोजोमल डिसीज है, ऑटोजोमल डिसीज है। अगर बेटा आप हमारे वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ऑटोजोमल डिसीज होते क्या है। ऑटोसोम गुणसूत्र के कारण जो बीमारी पैदा होती है बेटा उसे ऑटोजोमल डिसीज कहा जाता है। और आप सभी को पता है ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं वह लड़के व लड़कियों में, लड़के व लड़कियों में समान होते हैं। इसलिए बेटा जब भी सिकल सेल अनेमिया बीमारी होगी वो लड़कों में और लड़कियों में बराबर मात्रा में होगी। जैसे कि हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस वो लड़कों में अधिक हो रही थी और लड़कियों में कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो ये जो बीमारी है ये ऑटोसोमल डिसीज है, लड़के व लड़कियों में समान रूप से गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए जो बीमारी होगी ये समान मात्रा में होगी। जितनी लड़कों में होगी उतनी ही संभावना रहती है कि लड़कियों में हो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए बेटा, अब इस रोग में होता है क्या है। देखिए यह है आपका ब्लड और इस ब्लड का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ध्यान से समझना, हीमोग्लोबिन को अगर आप तोड़कर देखोगे तो दो शब्दों में बट रहा है, हीमो एक हीम और एक ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है ये एक पिगमेंट है भैया, ये एक वर्णक है, और जो ग्लोबिन है बेटा ये एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है वो 95% की मात्रा में पाई जाती है, ये ओनली 4-5% की मात्रा में पाया जाता है हीम पिगमेंट। और इसी हीम पिगमेंट में आयरन कंपाउंड उपस्थित होते हैं। और जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है बेटा ये 95% की मात्रा में होने के कारण इस हीमोग्लोबिन को हम जटिल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जटिल प्रोटीन भी बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन को हम पिगमेंट भी बोलते हैं, वर्णक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5% में ये हीम वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। आप सभी को पता है बेटा, प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लगभग 20 एमिनो एसिड जुड़ करके एक प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं। इतनी बातें सबको ध्यान हो गई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए बेटा, अब हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले जो आयरन कंपाउंड है, मान लीजिए ये हो गए भैया आयरन कंपाउंड आपके, 1, 2, 3 और 4, मान लीजिए ये आपका आयरन कंपाउंड है। अब ये आयरन कंपाउंड के साथ कौन जुड़ा हुआ है? प्रोटीन। और प्रोटीन की संरचना किससे मिलकर के बनी हुई होती है? बहुत सारे एमिनो एसिड से, लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मान लीजिए भैया ये संरचना हो गई किसकी? ये संरचना है भैया किसकी? एमिनो एसिड की। मैंने ऐसे ही बना दी, तो इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, और जब मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड, ये एक प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं जो कि आयरन कंपाउंड के साथ जुड़े हुए। तो इस रोग में होता क्या है, ये जो एमिनो एसिड होते हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है बेटा, इनकी क्या हो जाती है? पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ए प्रकार का एमिनो एसिड है, बी प्रकार का है, सी प्रकार का है, डी प्रकार का है, तो डी वाला आ जाएगा ए के पास और ए वाला चले जाएगा डी के पास। इसे बी वाला सी के और सी वाला ए के पास आ जाता है, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे ही एमिनो एसिड की पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो आरबीसी है, इस आरबीसी का आकार में परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही मुख्य घटक होता है, क्योंकि आरबीसी जो होती है, आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है बेटा वो हीमोग्लोबिन होता है। और ब्लड की पाई जाने वाली जो मुख्य कोशिका होती है, ब्लड में पाई जाने वाली जो मुख्य कोशिका होती है वो भी कौन होती है? आरबीसी होती है, क्योंकि यह अकेले 99% मात्रा में पाई जाती है भैया ब्लड सेल्स में, कौन? आरबीसी। और इस आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में, जब हीमोग्लोबिन के आयरन कंपाउंड, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले आयरन कंपाउंड जो एमिनो एसिड के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या होता है इस रोग में इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी का आकार जो होता है, वैसे नॉर्मल आरबीसी का आकार अंडाकार होता है, तो अंडाकार से परिवर्तन होकर हसिया के समान हो जाता है, हसिया के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है बेटा? हसिया के समान हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है भैया। इसमें आरबीसी चिपक जाती है। अब आरबीसी चिपक जाएगी बेटा इस रोग में तो क्या होगा? आरबीसी चिपक जाती है तो भैया उस रोगी में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं क्या? अगर आरबीसी चिपक जाती है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो जो रोगी होगा बेटा उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करवाता है? आपकी आरबीसी करवाती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा बेटा, ये रुक जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी। और मुख्य जो पॉइंट है बेटा, वैसे तो मुझे पहला ही लिखना चाहिए कि ब्लड की कमी हो जाती है। मैंने कहा कि ब्लड की मुख्य कोशिका होती है आरबीसी, जो कि अकेले 99% होती है, 2% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है 1% में। और जो ब्लड की कमी हो जाती है मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति में, अब भैया ब्लड की कमी हो गई तो व्यक्ति को चक्कर आएंगे, शारीरिक रूप से वो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो सिकल सेल अनेमिया यानी कि ऐसा रोग है बेटा जिसमें जो रोगी होता है उसमें खून की कमी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है कि नहीं? और इसमें कोशिका का आकार, कौन सी कोशिका का आकार? आरबीसी का आकार किसके समान हो जाता है? हसिया के समान हो जाता है, अंडाकार से परिवर्तित होकर। बोलो कोई परेशानी? बोलो कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे लोगों को अगर ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं सिकल सेल अनेमिया के बारे में।
अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी, सेल का मतलब होता है कोशिका, और सिकिल का मतलब होता है हसिया। हसिया एक उपकरण होता है जिसे घास काटा जाता है। तो इस रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, उसमें खून की कमी होती है और कोशिका का आकार हसियाकार हो जाता है, यानी कि अंडाकार से परिवर्तित होकर के हसिया के समान हो जाता है। पहली बात, ये बात समझ में आ गई, कौन सी कोशिका का, आरबीसी का भी बता देंगे कारण क्या है। जेनेटिक डिसीज यानी कि एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोगों के नाम मैंने आपको बताए थे बेटा, अभी अभी आपने याद किए होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये ऑटोजोमल डिसीज है, ऑटोजोम गुणसूत्र के कारण, ऑटोजोम क्रोमोजोम यानी कि ऑटोसोम गुणसूत्र के कारण ये बीमारी पैदा हुई है। इसके कारण, इसी कारण इसे ऑटोजोमल डिसीज कहा गया है, यानी कि लड़के व लड़कियों में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए ये जो बीमारी हुई है ये ऑटोजोमल डिसीज है। तो बेटा लड़के व लड़की में ये बीमारी समान मात्रा में होगी, जितनी लड़के में होने की संभावना रहती है उतनी ही लड़की में होने की संभावना रहती है। लेकिन कलर ब्लाइंड में ऐसा नहीं था, कलर ब्लाइंडनेस में लड़कों में ये बीमारी ज़्यादा हो रही थी भैया, कलर ब्लाइंडनेस लड़कियों में कम हो रही थी, क्योंकि वो ओलोजोम गुणसूत्र के कारण, ओलोजोम क्रोमोजोम के कारण प्रॉब्लम हो रही थी बेटा उसमें। लेकिन इसमें ऑटोजोम क्रोमोजोम के कारण प्रॉब्लम हो रही है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो आगे, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन बेटा दो भागों में बटा हुआ होता है, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम एक प्रकार का पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन का 5% है, और ग्लोबिन बेटा एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, और ये 95% की मात्रा में पाई जाती है 95। इसलिए इसे हीमोग्लोबिन को हम जटिल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में 95% की मात्रा में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। और 5% में हीमोग्लोबिन में हिमवर्णक पाया जाता है। इस हिमवर्णक में, हिम पिगमेंट में आयरन कंपाउंड उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। प्रोटीन जब 20 एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब हम संरचना देखते हैं बेटा हीमोग्लोबिन की, तो उसमें जो आयरन कंपाउंड होते हैं उनके साथ में क्या जुड़े हुए होते हैं, आपके एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल जुड़े हुए होते हैं। तो इस रोग में क्या होता है, ये जो एमिनो एसिड होते हैं इनकी संरचना में, इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो पोजीशन होती है, वो एक्सचेंज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, आरबीसी का जो आकार है वो अंडाकार से परिवर्तित होकर हसियाकार के समान हो जाता है। क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का मुख्य घटक है, अगर हीमोग्लोबिन में कोई परिवर्तन आएगा तो आरबीसी में भी परिवर्तन आएगा, यही रीजन है बेटा। तो इसमें आरबीसी का आकार हसियाकार के समान हो जाता है, इसमें आरबीसी चिपक जाती है, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है हमारे शरीर में, क्या बोलते हैं, ब्लड की कमी और ऑक्सीजन की कमी। जो रोगी होगा उसको चक्कर आएंगे, बेड से उठेगा तो शरीर में कमजोरी महसूस होगी, यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। और बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका सिकल सेल अनेमिया। मैंने कहा कि इसका मतलब ही क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सिकल सेल अनेमिया है उसमें खून की कमी होगी और आरबीसी का आकार हसिया के समान हो जाता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, इसके कारण बता दिए, और ये अनुवांशिक रोग है, सारी चीज़ें आपको बता दी, जो जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा। अब जो बीमारी आपको जन्म के साथ प्राप्त होती है, यानी कि जिसे आप जेनेटिक डिसीज अनुवांशिक रोग कहते हो, उनमें हमने तीन बीमारी पढ़ ली है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिकल सेल अनेमिया। कल की वीडियो में हम थैलेसीमिया रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, और बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। इतनी बात क्लियर है। मैं हर रोज़ कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज़ 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं, आप भी दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है, या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में रहती है। शाम को 7 बजे बेटा मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है 1 फरवरी से, जिसमें मैं रेलवे में आए हुए सभी
क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के हो, एएलपी टेक्नीशियन के हो, आरआरबी जेई के हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के हो, या फिर आरआरबी एसएसई के हो, या फिर पैरा मेडिकल के हो, किसी भी रेलवे की एग्जाम के हो, वो सभी क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए, एक बार कंटेंट देख लीजिए। गाइज आपको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही होगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं रात को 11:30 बजे हुए और इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज दिन में जो वीडियो शूट की थी वो गलती से डिलीट हो गई थी, रिकवरी नहीं हो पाई गाइज वो वीडियो, इस वजह से रात को 11:30 बजे करनी पड़ी, क्योंकि 7:30 बजे आपकी क्लास देनी है, इसलिए ज़रूरी था। और अब टाइम फिक्स कर दिया है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे रात के 11:30 बजे हो चाहे 1 बजे। अब 11:30 बजे आपके लिए मेहनत चल रही है, तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।